हेलो फ्रेंड्स, एलजी आर स्टडी इंटर के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज का एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित हैं। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे चंडीगढ़ जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके दो नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि कौन सा पतन जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ जो आपका दो का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे चेन्नई यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। अब पूर्वी तट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट पूर्वी तट ही नहीं समझते होंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका आकार कुछ इस टाइप का है, और ये क्या है आपका समुद्र है। आप सभी को पता है कि ये जो है ये समुद्र है, पानी है। तो ये जो तट है, देखिए तट क्या होता है, नदी के किनारे वाला भाग या फिर पानी के किनारे वाला भाग जो है तट कहलाता है। तो ये आपका है पूर्वी तट, ठीक है। इस तरफ जो ये जो तट है, ये जो किनारा है, समुद्र का किनारा जो हमारे भारत से लगता है, ये है पूर्वी तट और ये कहलाता है पश्चिमी तट। तो ठीक है, आप लोगों ने समझा कि आपका तट क्या होता है। तो पूर्वी तट पे कौन है, चेन्नई पतन है, इधर आप जो है याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके तीन नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे है। तो तीन का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे महानदी पे है हीराकुंड बांध, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके चार नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। रूस आप सभी जानते हैं एक देश है, और रूस देश के अंदर टुंड्रा भाग में रहने वाली जो आदिम जाति है, जिसको हम लोग जनजाति भी कहते हैं, आदिवासी भी कहते हैं, तो वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चार का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे वेदा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके पाँच नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो पांच का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश यहाँ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके छः नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। छः नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। मानव जो है वो प्रकृति का क्या है, दास है। और सही बात, हम देखते हैं कि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है और प्रकृति के अनुसार सारी जो घटनाएँ हैं वो घटती रहती हैं। बारिश हो, सुखार हो, आंधी हो, तूफान हो, वो सभी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है और हमें उसे महसूस करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो किसने कहा था कि मानव जो है प्रकृति का दास है। तो छोका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे एलन सैंपल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके सात नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। ये रूस नहीं है, रूर है, ठीक है। रूर कोयला क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है। तो सात का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे जर्मनी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आठ नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का उपागम जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आठ का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे अन्वेषण और वर्णन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके नौ नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आधुनिक, ये होगा आधुनिक होगा, आप टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं, कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। आधुनिक मानव भूगोल जो है इसके जनक कौन हैं। तो नौ का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे फ्रेडरिक रेट जेल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक के बारे में आपको बताना है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे टेलर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा।
और आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, मॉडल पेपर, क्विक रिविजन नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट का भी वहाँ पर आपको सुविधा मिलेगा। तो दो मोबाइल है, दोनों पर अलग अलग सुविधा आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ से अभी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा कि नियतिवाद के विचारक कौन थे, नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो 11 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे इनमें से सभी, वो ई कांट हो, इम बोल्ट हो या फिर रीटर हो, ये सभी के सभी कौन थे, तो नियतिवाद के विचारक थे, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पर आप अपने 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। न्यूनतम जन्म दर का मतलब है कि सबसे अधिक, सबसे कम वहाँ पर, न्यूनतम मीन्स होता है सबसे कम, न्यूनतम मतलब सबसे कम वहाँ पर जो जन्म दर है वो है, मतलब जो हमारे भारत की जन्म दर है बहुत ही अधिक है, मतलब यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बच्चे क्या होते हैं प्रत्येक साल पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे कम मात्रा में बच्चे क्या होते होंगे पैदा होते होंगे। तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जहाँ पर यहाँ का जो जन्म दर है वो सबसे कम है यानी कि सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसका जो मानव विकास है वो उच्च नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। तो 13 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे भारत, भारत का जो मानव विकास है उसका स्तर जो है वो उच्च नहीं है। आप सभी जानते हैं कि भारत का शिक्षा, भारत का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही अभी भी निम्न लेवल पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। जैसे हमारे भारत में मानव का विकास उतना अच्छा नहीं है, तो इसके विपरीत आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ का मानव का जो विकास है वो बहुत ही अच्छा है, उच्च है। तो 14 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे नॉर्वे, नॉर्वे जो है सबसे अधिक मानव, अच्छा मानव विकास वाला क्या है क्षेत्र, याद रखेंगे ये पेंसिल आपका जो है काम नहीं कर रही है, समझ में आप याद रखेंगे नॉर्वे यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है, मानव विकास की अवधारणा जो है किसकी देन है। तो यहाँ जो आपका 15 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे मकबूल उल हक, मकबूल उल हक यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, जापान का डेट्राइट जो है किसे कहा जाता है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे नगोया को जो है जापान का डेट्राइट कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो 17 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सूती वस्त्र के लिए, किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए, मैनचेस्टर जगह का नाम है और मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विकसित है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप कौन है। तो 18 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे बाह्य स्रोतन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये क्या है एक पंचम क्रियाकलाप है। आपको बता दे कि बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है, बाह्य स्रोती इसको भी बोलते हैं, ठीक है। बाह्य स्रोती क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति विदेश से पैसा कमा के लाता है, अपने देश का व्यक्ति अगर दूसरे देश से पैसा कमा के लाता है तो उसको बोलते हैं बाह्य स्रोती। सिंपल अर्थ में अगर आप समझना चाहें तो ये बाह्य स्रोती का जो बाह्य स्रोतन है उसका अर्थ है। अगर कोई भी व्यक्ति विदेश से पैसा कमा करके लाता है तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य स्रोत, मतलब बाहर के स्रोत से वो पैसा कमा रहे हैं। 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, कौन ऐसा महादेश है जिस महादेश में सबसे अधिक जो है
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मतलब दूसरे दूसरे देश के जो पर्यटक है, जो घूमने वाले लोग हैं उस महादेश में जाते हैं। तो 19 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे यूरोप यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जहाँ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है घूमने के लिए वहाँ आते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो 20 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी, शिक्षा हो, बैंकिंग हो या फिर विनिर्माण हो, ये सभी के सभी क्या होंगे? तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। तो 20 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग मैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वहाँ पर आपको PDF और क्लास नोट्स मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का जो है ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा मिल जाएगा, तो ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। दो मोबाइल ऐप है, दोनों आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।